सांबर झील में लगातार प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी गणेश परिहार ने कोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने रिपोर्ट में सामने आई खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। वहीं सांबर झील के गहरे पानी में पक्षियों की सुरक्षा और पुनर्वास के काम के लिए राज्य सरकार को स्पीड बोट्स और प्रवासी पक्षियों की मॉनिटरिंग करने के लिए हाई डेंसिटी ड्रोन कैमरे का इंतजाम करने को कहा। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता और न्याय मित्र नितिन जैन ने राज्य सरकार की ओर से मौके पर पक्षियों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर को होगी।